दोस्तों नमस्ते, आप सब कैसे हो। आज मैंने बनाई है पनीर की सब्जी और पूड़ी। तो देखते हैं, मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और पूड़ी तो मैंने पहले से बना के रख रखी थी, क्योंकि कढ़ाई में पहले पूड़ी बनाई थी और अब सब्जी बनाऊंगी इसलिए। और मैं पनीर काट रही हूँ, देखो ये मैंने पनीर काट लिए और इधर तेल गरम हो गया है। तो मैं इसके अंदर डालूंगी जीरा, ये मैंने जीरा डाल दिया इसके अंदर। और मैं डालूंगी प्याज काट के रखा था मैंने, एक प्याज लिया था इसको काट के रखा था हमने मिक्सी में। और हम डालेंगे अभी प्याज, हम डालेंगे इसके अंदर मिर्ची, डेढ़ चम्मच मिर्ची ली है मैंने स्वाद अनुसार, इस अपनी मिर्ची के लिए। और एक चम्मच हल्दी ली है मैंने, ये थोड़े प्याज पक गए हमारे। और मैं इसके अंदर डालूंगी पानी, मसाले के अंदर थोड़ा पानी डाल के देखो प्याज बिल्कुल पक गए हमारे प्याज। अब हम डालेंगे इसके अंदर मसाला, डालेंगे मसाला पक जाएगा उसके बाद हमने काट के रखे दो टमाटर थे, ये हमने मिक्सी में पीस के रखे थे, अब इनको डालेंगे मसाला पक जाएगा उसके बाद फिर डालेंगे पनीर हम। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे इसके अंदर, नमक डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार। अब आप देखो मसाला बिल्कुल पक गया है, इसमें तेल छोड़ दिया, ऊपर तेल आ गया है, देखिए हमने इतना तेल डाला था वो सब ऊपर आ गया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर, टमाटर काट के रखे थे टमाटर डाल दिए, थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे। इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे, डालेंगे पनीर। पनीर डाल दिया मैं इसके अंदर, देखो ये
इसके अंदर डाल रहे हैं हम गरम मसाला। गरम मसाला डाल दिया ये, और हमने पहले से धनिया काट के रखा था, धनिया लिया था हमने, अब इसको डालेंगे हम। बन गई है सब्जी। देखो दोस्तों ये बन चुकी है सब्जी हमारी। लाइक और कमेंट जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर देना।